If you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. तो भीगा भीगा मौसम बिहार शरीफ में, सब कुछ भीगा भीगा, चेतक भी भीग चुके हैं और हम लोग यहाँ से अभी जा रहे हैं बड़ी दरगाह। चेतक को क्या हो गया? बिहार शरीफ के 20 बाजार में चेतक हुआ बंद। सिरोजा सिरोजा, बिहार शरीफ इज ए नाइस प्लेस यार, अच्छा लग रहा है, लेकिन रश थोड़ा सा ज्यादा है ना, आपको क्या लगता है? अगर आप बिहार शरीफ के हैं प्लीज कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका भाई साहब एक बार फिर से आपके साथ आ चुका है और एक नए और फ्रेश खतरनाक ब्लॉग में। हम लोग अभी बिहार शरीफ की गलियों से गुजरते हुए, क्योंकि सड़क थोड़ी चौड़ी होती है, ये तो गली ही कहेंगे इसको हम लोग, और भराव पर, सामने लिखा भराव पर, क्योंकि मेरे को जगह के बारे में पता नहीं था तो मैंने सोचा कि बोर्ड ही पढ़ लेते हैं ना। हमेशा यहाँ पे इतना ही जाम होता है क्या? अच्छा, जाम नहीं लगा तो पता नहीं चला कि भराव मोड़ है। आसमान में घने घने बादल छाए हुए हैं और बिहार शरीफ में बारिश हो रही है। लहेरी थाना सगरों जाम लगा हुआ है। नहीं भाई, भाई गुस्सा हो गया, भाई भाई गुस्सा हो गया, जाम की वजह से उसको पास नहीं दे रहा गाड़ी वाला, तो भाई गुस्सा हो गया। अचानक से बारिश काफी ज्यादा तेज होने लगी है, हम लोग लगता है कहीं पर रुकना पड़ेगा। भैया बड़ी दरगाह? हाँ, आधे जाके पानी ले लीजिएगा। ठीक है सर, शुक्रिया। लोग काफी कोऑपरेटिव होते हैं, अगर आप एक आदमी से पूछते हैं तो चार आदमी उसका जवाब देता है। समटाइम्स वो सारे जवाब अलग अलग से भी हो जाते हैं, लेकिन चलता है। और हम लोग बड़ी दरगाह पहुंच चुके हैं। क्या खूबसूरत गुंबद है यार, काफी अच्छी वाली फीलिंग है यार, उस पर से ये जो गेट बना है ना, बहुत खूबसूरत। बिहार शरीफ आए और अगर बड़ी दरगाह नहीं है तो फिर क्या किया आपने? हम लोग बड़ी दरगाह पहुंचे हैं और यहाँ पर अब जियारत करने के लिए जा रहे हैं। भाई अभी हम लोग जिस प्लेस पर खड़े हैं ना, ये ईदगाह है और इस ईदगाह को शाहजहां ने बनवाया था और ये काफी ज्यादा हिस्टोरिकल है। प्रोसेस इन इस्लाम कि जब आप किसी पवित्र या फिर कुछ ऐसी जगह पे जाते हैं नमाज के लिए या फिर किसी दरगाह में, तो आपको अच्छे से मुंह हाथ धोने पड़ते हैं, दैट्स द प्रोसेस कॉल्ड वजू। तो अभी हम लोग वही कर रहे थे। ये मखदूम शरफुद्दीन अहमद यामलेरी हैं, इनके एक बेटा एक बेटी भी हैं, जो बेटा है वो बीरभूम में है। मुझको ये दुआ दी है मेरा बेटा गुलामे अहमद मुख्तार हो जाए, तमन्ना दिल की पूरी है मेरे सरकार हो जाए। यहाँ पर शूट हो चुका है ना, अब इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ से अभी निकल चुके हैं बाहर और अब जा रहे हैं एक जगह पर, सो कॉल्ड पहाड़ी, और वहाँ पर भी एक ऊपर में मंदिर और एक मजार है। तो हम लोगों ने बिहार शरीफ के अस्पताल चौक से टर्न लिया है और मेरे ख्याल से वो सामने पहाड़ी दिख रहा है। दीदी पहाड़ पे यही जाएगा? ओ भाई ये क्या है, कौन सा प्लेस है? और हम लोग यहाँ से जस्ट क्रॉस कर रहे थे तो ये बहुत ही अद्भुत सा प्लेस दिखा। आई डोंट नो विच प्लेस इज दिस, पूछता हूँ किसे। भैया कौन सी जगह ये? सरैया बाबा, गोरैया बाबा, गोरैया बाबा। और पहाड़ पर जाने का रास्ता यही है ना? तो बाइक से कैसे जाएंगे हम लोग? बाइक से आगे से जाइए ना पहाड़ पर, बाइक चल जाएगा। कोई बताया कि इधर से हम लोग जाना? नहीं नहीं, गेट बना हुआ है पहाड़ पर जाने। अच्छा अच्छा, बलि पड़ता है? पूजा होता है। ओहो, काफी स्पिरिचुअल और बहुत ही जबरदस्त प्लेस है यार ये तो, ऊपर से पूरा पहाड़ है, ऐसे घूम करके उधर से जाना है। चाचा पहाड़ पे कैसे जाएंगे? यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है हिरण्य पर्वत की तरफ। भाई चढ़ाई है और यहाँ ब्रेक मारेंगे तो पीछे जाएंगे। भाई साइड दे दे, साइड कर दे भाई।
ओ माय गुडनेस, यहाँ से पूरा बिहार शरीफ दिख रहा है क्या? एंड लुक एट द प्लेस ब्रो, कितना खूबसूरत सा व्यू है। यहाँ से पूरा का पूरा बिहार शरीफ ये रहा दिख रहा है और बहुत जबरदस्त लग रहा है। हम लोग अभी ऊपर भी चलेंगे, हिरण पर्वत पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर एक मंदिर है। आगे बाइक लेकर के हम लोग नहीं जा सकते इसलिए बाइक को यहीं पीछे लगा दिया है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और बारिश का मौसम है और शाम भी हो रही है तो जल्द से जल्द इसको कवर करना है। यहाँ से पूरी सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं। आसान नहीं होने वाली भाई, बहुत टफ है, मजा आ रहा है आपको। यहाँ पर हालत खराब हो रही है चढ़ने में। लुक एट द प्लेस ब्रो, पूरा का पूरा बिहार शरीफ दिख रहा है यहाँ से और हम लोग अभी भी चढ़ाई कर रहे हैं और फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। इसी की बात मैं कर रहा था, इसी मंदिर की। शंकर भगवान का पूजा होता है, आठवीं ये चैत से आठवीं को ध्वजा गड़ाता है तो बहुत भीड़ रहता है। ये बिहार शरीफ है, यकीन नहीं होता मुझे। मुझे भी बहुत बताया गया था कि बिहार शरीफ में कोई स्पॉट नहीं है जहाँ पर आप जा सकते हैं। बिहार शरीफ में दो तीन ही जगह है, लेकिन जब मैं इस हिरण पर्वत पर आया तो मुझे फील हुआ कि यार ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। आप देख सकते हैं यहाँ पर आने के बाद जो फीलिंग हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ। अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अभी और भी बहुत कुछ है। और यहाँ आने के बाद ये महसूस होता है कि जो लोग कहते हैं यार कि बिहार में कोई डेस्टिनेशन नहीं है एक्सप्लोर करने को, बिहार में कोई प्लेस नहीं है घूमने को, तो भैया एक नज़र ये देख लीजिए। हम लोग अभी हिरण पर्वत के ऊपर है और वो मंदिर है माता का और यहाँ पर मकबरा भी है एक। हम लोग अभी वहाँ जा करके हमारा डेस्टिनेशन ख़त्म होगा, लेकिन यहाँ पर अभी ट्रैक करके हम लोग पहुँचे हैं और जो व्यू मेरी आँखें देख रही है ना, काश मैं आपको वो कैमरे में दिखा सकता यार। यहाँ पे आने के बाद एक अलग सी फीलिंग है, जब नीचे देखोगे आप तो आपको डर भी लगेगा। वो नीचे गाड़ी चल रही है वहाँ पर देखिए, और ये ऊपर से खेत कितने खूबसूरत लगते हैं ना। पूरा का पूरा बिहार शरीफ यहाँ से दिख रहा है और काफ़ी दूर तक आप देख सकते हैं। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और अभी बारिश भी आ गई है भाई, बारिश में भीगना नहीं है, हम लोग को जल्दी से यहाँ से निकलना भी है। आज तो हालत खराब हो गई ट्रैक करते करते। फाइनली हियर वी आर, दिस इज आवर लास्ट डेस्टिनेशन हियर इन बिहार शरीफ ऑन हिरण पर्वत। बड़ी पहाड़ी यानी कि हिरण पर्वत के नाम से जो फेमस है, यहाँ पर मकबरा मलिक इब्राहिम बाग का है और काफ़ी खूबसूरत है। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट यार, यहाँ पर आप आ सकते हैं और सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस है, काफ़ी देर से घूमते घूमते थक गए थे यार, तो एक बहुत ही खूबसूरत जगह इसको कह सकते हैं। इस साइड में और इस साइड में दोनों तरफ दरवाजे हैं और यहाँ से एक खिड़की भी है जो कि उधर को खुलती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बैठ करके हैंग आउट कर रहे हैं और
अभी पटना निकलते हैं यार, बहुत थक चुके हैं सच में। तो भाई बिहार शरीफ में हमारी जर्नी यहीं पर फिनिश होती है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और जब हम लोग यहाँ पर हिरण्य पर्वत पर पहुंचे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेस को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। खास करके ये पूरी जो पहाड़ी है ना, ये ज़बरदस्त वाली फील देती है और बिहार में टूरिज्म का बहुत बड़ा हब इसको कहा जा सकता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो मकबरा है और जो मंदिर है, दोनों ही काफ़ी अद्भुत हैं। आप भी एक बार ज़रूर आइए। फिलहाल हम लोग अभी पटना निकल रहे हैं, यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपका भाई साहब धन्यवाद।